जय हिंद दोस्तों, सेना भर्ती से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मिलेगी आकर्षक धनराशि। रक्षा मंत्रालय ने आम नागरिकों के लिए तैयार किया ड्राफ्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी खबर उन युवाओं के लिए आ गई है जो TOD को लेकर अभी तक गफलत में थे, TOD के बारे में जो कई तरह के असमंजस थे, तो उसको लेकर एक अपडेट जिसमें आप देख पा रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी TOD यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में तैनाती जहां 3 साल की होगी, वहीं इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी सेना कराएगी। यानी आप देख पा रहे हैं कि आपको उस 3 साल की सेवा से पहले एक बार ट्रेनिंग भी 1 साल की कराई जाएगी। तो TOD में शामिल जवानों और अफसरों को ट्रेनिंग के साथ 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद समापक भुगतान भी किया जाएगा। यानी आपको 3 साल के बाद में कुछ अलग से भी वेतन भुगतान किया जाएगा वेतन के अलग से, जिससे वह अपनी आगे की उच्च शिक्षा को जारी रख सकेंगे। वहीं किसी आतंकी ऑपरेशन या युद्ध में TOD जवान व अफसर शहीद होते हैं तो उनके आश्रितों को, उनके परिवार वालों को वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक एक जवान के शहीद होने पर या अधिकारी के शहीद होने पर मिल रही थी। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, जो अभी तक सवाल बन रहा था कि अगर शहीद होते तो क्या होगा, तो उनको वह सारी की सारी सुविधाएँ, सारा कुछ मिलेगा जो अभी तक जवान के शहीद होने पर मिल रहा था। वहीं इस TOD को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें सेवा व शर्तें शामिल की गई हैं। स्नातक पूरे कर चुके 22 से 23 साल की उम्र के युवक युवती TOD में शामिल होकर जवान व अधिकारी बन सकेंगे। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारियों को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। सेना ने अपने TOD प्रस्ताव में यह भी कहा है कि दिल्ली BB के SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक से कर निकले नौजवानों को औसत 30 से 50 हज़ार रुपये प्रतिमाह का पैकेज मिलता है, जबकि सेना में लेफ्टिनेंट व कैप्टन को हर महीने 80 से 90 हज़ार रुपये का वेतन मिलता है। ऐसे में TOD में शामिल होकर नौजवानों को यह वेतन टैक्स फ्री मिल सकता है। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए समापक भुगतान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है। यानी जब आप 3 साल बाद वहां से नौकरी करके आएंगे तो इसमें जो अधिकारी रैंक के होंगे उनको 5 से 6 लाख रुपये और जो जवान होंगे उनको 2 से 3 लाख रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है जो शामिल किया गया है। तो यह उन तमाम युवाओं के लिए जानकारी है जो TOD के बारे में जानकारी चाहते थे कि TOD में आखिर और क्या सारी चीज़ें हैं। तो और अब आप देख सकते हैं कि इतना ही नहीं TOD के बाद इन युवाओं को PG और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए शिक्षण संस्थानों में वरीयता देने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिससे TOD ऑफिसर्स को प्रवेश में वरीयता मिलेगी। 3 साल की सेवा के दौरान TOD अफसरों व जवानों की शहादत पर उनके आश्रितों को फैमिली पेंशन, ECHS सुविधा, ग्रेचुटी व पूर्व सैनिकों के लिए पूर्व में लागू कल्याणकारी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सेना ने एक सर्वे भी किया है इसको लेकर, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर ने 22 से 23 साल उम्र में स्नातक के बाद 3 साल की TOD के बाद 26 से 27 साल में आने वाले युवकों को कैरियर संवारने में प्राथमिकता देने की इच्छा जताई है, जबकि अभी SSC में 10 साल की सेवा के बाद 33 से 34 साल की उम्र में युवा कॉरपोरेट सेक्टर में आते हैं। तो साथियों, ये एक अपडेट है आप सभी युवाओं के लिए जो इस TOD को लेकर इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, जो TOD के तहत देश की सेवा में जाना चाहते हैं, 3 साल के लिए सेना का अनुभव लेना चाहते हैं। तो उन सभी युवाओं को लेकर एक ये ताज़ा अपडेट है, एक बड़ी अपडेट है, जिनको ये लग रहा था कि TOD के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। हालाँकि यह भी जानकारी अभी पूरी जानकारी नहीं है और डिटेल से जानकारी आना बाकी है इसकी, अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में ये जानकारी दी गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब आप ज्वाइन होकर आएंगे 3 साल बाद वहाँ से, तो आप अगर ऑफिसर रैंक से ज्वाइन थे तो आपको 5 से 6 लाख रुपए मिलेंगे जैसे रिटायर होने पर मिलते थे, और जो सैनिक होंगे उनके लिए 2 से 3 लाख रुपये आपको रिटायर होने पर दिए जाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।